हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है फुल स्टैक मर्न बोटिंग सिस्टम। ऑनलाइन बोटिंग हमने करनी है तो वो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, आज का हमारा यही प्रोजेक्ट टॉपिक है। जहां से हमारा स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट रजिस्टर करना है, उसके बाद लॉगिन करना। तो हम रजिस्टर नहीं करेंगे, डायरेक्ट लॉगिन करके डैशबोर्ड देख लेते हैं आखिर ऐसे प्रोजेक्ट वर्क करते कैसे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक डेमो ईमेल है, एंटर करेंगे। पहले रजिस्टर करेगा तभी कोई यूज़र लॉगिन कर पाएगा। यहाँ पे सक्सेस हो गया, ओके पे क्लिक करेंगे। पोल आपने जो भी क्रिएट किए होंगे सारी की सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी ग्रिड के साथ। फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैंने पोल क्रिएट किया है, जो जस्ट मैंने डेमो के लिए ऐड किया है, कुछ भी पोलिंग सिस्टम हो सकता है। आपने वोट करवानी है यूज़र से तो कुछ भी डेटा एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डमी ऐड किया है डेटा। मैं चाहती हूँ कि यूज़र मुझे बताए कि रिएक्ट जेएस में वो इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं तो वोटिंग करनी है, एचटीएमएल में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं उसके लिए वोटिंग करनी है। तो फर्स्ट वाला हम सिलेक्ट करेंगे। तो जी आपके पास कुछ डैशबोर्ड ओपन होके आएगा, जहाँ पे तीन ऑप्शन है। एक तो आप इंटरेस्ट रखते हैं येस नो, या फिर आप तीसरा ऑप्शन कोई ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने तीन ऑप्शन ऐड किए हैं, ठीक है। जहाँ पे वोट करनी है तो मैंने पहले से ही यहाँ पे वोट की हुई है, तो ये जितनी वोटिंग करते जाएंगे ग्राफ के बीच हमें शो होती जाएगी। अब जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक आता है, एक बार जो यूज़र वोट कर देगा वो दोबारा वोट नहीं कर पाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, वोटिंग पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ से मुझे ये एक मैसेज बताएगा कि आपने पहले से वोट किया हुआ है, आप अगेन वोट नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास इतना रेडी। अब यहाँ पे इसके अंदर जो लॉजिक आएगा वो ये है कि मल्टीपल यूज़र हमारे पास होनी है, जितने मर्जी यूज़र यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद वोट कर सकते हैं। वो वोट हमें हर एक यूज़र को दिखानी है। हर एक यूज़र का अपना डैशबोर्ड ऐसा होगा जहाँ से वो वोट भी करेगा, जहाँ पे लाइव वोटिंग सिस्टम देख सकता है। रिएक्ट जेएस को देखना है उसने कि कितने वोट आए हैं, सबसे ज़्यादा वोटिंग किसकी है, तो यहाँ पे उसको ये शो हो जाएगा। ये एक यूज़र का डैशबोर्ड है। अब जहाँ पे ये पोलिंग हमने क्रिएट करनी है, तो जहाँ पे मेरे पास एक क्रिएट वाला ऑप्शन है, अगर हम क्रिएट वाले रूट पे जाएं, आपको एक फॉर्म नज़र आएगा, ठीक है। आपने जहाँ पे कुछ भी एंटर करना है, जावा 2 ऐड कर देते हैं, ऑप्शन ऐड करना है येस, ऑप्शन ऐड करना है नो, एक आपने एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन तीसरा ऐड करना है, ऐड पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ पे तीन ऑप्शन, जितने मर्जी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। जस्ट मैंने जहाँ पे कोड लगाया है कि आप एक नया फील्ड ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ भी फिल करना चाहते हैं अदर। तो यहाँ पे जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे, जैसे को रिमूव भी कर सकते हैं। क्रिएट पोल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे पोल क्रिएट हो चुका है, ओके पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड पे जाना है फिर से, अगर मैं डैश पे जाऊँ, एंटर किया, तो मेरे पास यहाँ पे जावा 2 आ गया, ठीक है। इसको अगर ओपन करके देखेंगे, अब यहाँ पे आ गए। अब ये यूज़र है वो लॉगिन करके नहीं आया, मैंने डायरेक्ट सर्च किया है। अब देखो मैं अगर वोट करूँ, जैस पे क्लिक किया, वोट किया, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथेंटिकेशन है, कोई भी अगर यूज़र डायरेक्ट आएगा वो बिना लॉगिन किए वोट कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, अगर मैं यहाँ पे आऊँ लॉगिन करके आते हैं, फिर से हमने जाना है लॉगिन पेज पे जो हमारे पास पहले से है। अब दूसरा डैशबोर्ड ओपन करते हैं, एक मेरे पास और है डैशबोर्ड, यूज़र यहाँ से चेक कर लेते हैं, ये वाला ओपन करते हैं, ये हो गया पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो लॉगिन यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे हमने चेक करना है रिएक्ट जेएस पे, इधर देखो ये दूसरे डैशबोर्ड है, दूसरे यूज़र का डैशबोर्ड है, उसने जहाँ पे वोटिंग पहले से की हुई है, ये भी वोट नहीं कर पाएगा अगर मैं जहाँ पे क्लिक करूँ वोट पे, तो इधर मुझे जो मैसेज लिखा नजर आएगा ये वाला। अब जो नया पोल क्रिएट किया है उधर हमने वोट नहीं किया, तो मैं जहाँ पे जावा पे जाऊँगी, इधर मैंने जेस पे क्लिक करना है, तो मैं जहाँ पे वोट पे क्लिक करूँगी, तो मेरे पास यहाँ पे वोट रिकॉर्ड हो चुकी है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ग्राफ अपडेट हो जाएगा। ये होता है ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम। अब जहाँ पे मैंने वोट कर दिया, सेम ऐसे ही कोई भी दूसरा यूज़र आएगा, किसी भी पोल में जाके वोट कर सकता है। लाइव डेटा जहाँ पे अपडेट होगा, जहाँ पे ये वाली एक प्रोग्रेस बार मैंने ऐड की है, साथ साथ में ये अपडेट होती रहेगी। जहाँ पे परसेंटेज में मैंने डेटा यहाँ पे शो कराया है, कितने बोर्ड्स हैं, यहाँ पे टोटल बोर्ड्स भी ऐड किए गए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन हमने ऐड नहीं करनी कि किसने किस पोल में वोट किया है, क्योंकि वहाँ पे हमने यूज़र की सिक्योरिटी हाइड करनी होती है, ताकि किसी को पता ना चले किस यूज़र ने किस को वोट किया है, इसीलिए वहाँ पे उसका नाम नज़र नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे विदाउट वोट देखें तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जिधर कोई वोट नहीं होगा। तो जैसे जैसे आप वोट करते जाएंगे, जहाँ पे आपको लाइव डेटा देखने को मिलेगा। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है हम बनाना नहीं सीखेंगे, इसका आपको सोर्स कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
जितना भी आपके पास फोल्डर आएगा आपने सारी की सारी डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, npm इंस्टॉल आपने बस टाइप करना है। आपके पास जो फोल्डर आएगा जहाँ पे आके cd app मैंने फोल्डर का नाम रखा है, cd app यहाँ पे एंटर करेंगे, npm इंस्टॉल करना है, तो सारी की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जानी। अगर कोई बाकी हो, कोई डिपेंडेंसी नहीं इंस्टॉल हुई, तो वहाँ से आपने उसको अलग से इंस्टॉल कर लेना। आपके पास वो एरर बता देगा ये वाली डिपेंडेंसी नहीं है, उसको आपने इंस्टॉल करना है। जो बैकएंड इसमें यूज़ किया है वो है मेरे पास नोड जेएस या एक्सप्रेस जेएस, यहाँ पे सर्वर है मेरे पास, रूट है, एक मॉडल है जहाँ पे बैकएंड का सारा काम है। फ्रंट एंड तो बहुत ही आसान है, मैंने यहाँ पे सारा बैकएंड ऐड किया है। ये मेरे पास बैकएंड का है, आपको कोड ऐसे ही मिल जाएगा। आपने ये वाला अगर डेटाबेस चेंज करना हो वो नाम चेंज कर देना, अगर नहीं करना तो आप ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही वर्क कर जाएगा आपके पास। जो मेरे पास बैकएंड में ज़्यादा लाइब्रेरीज नहीं है उसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आज तक हम नॉर्मल यूज़ करते आए हैं सारी डिपेंडेंसीज बस यही है। फ्रंट एंड के डिपेंडेंसीज आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने चार्ट्स वगैरह यूज़ किए हैं, तो वो आपने यहाँ पे चेक कर लेना जो 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 भी डिपेंडेंसी चाहिए। CSS का कोड इसका अलग से यहाँ पे है index.css फाइल में, ये आपको सारे का सारा ऐसे ही मिल जाएगा जैसे ही आप GitHub से जाके इसको डाउनलोड करेंगे। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि इसको बनाना सीखना है तो उसके लिए एक अलग से लॉन्ग वीडियो बनेगी। बस यही था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।